मंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, नहीं बाहर जाते मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी के पास, ट्रंप जी के पास जाते हैं, मगर मगर अपने अपना जो सिक्योरिटी कवर है प्रस्ताव सिर्फ हमने पहले भी बोला सरकार को गिराने के लिए ही नहीं होता, उत्तरदायी होना चाहिए, जवाब देना पड़ेगा उसको जनता के प्रति। कि राहुल गांधी जी अपने आप को पप्पू कहते हैं, आज तो उनको मुन्ना भाई का ठप्पा देना पड़ेगा। राहुल गांधी जी अपनी बात को मैं कुछ नया नहीं कह पाए, राहुल गांधी जी कोई नयापन नहीं ला पाए। विरोधी पार्टी के नेता लोग अपना भाषण देने के लिए आए, इस अविश्वास प्रस्ताव से सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में, आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आज के दिन को सियासत का ब्लॉकबस्टर फ्राइडे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज पूरे दिन दिल्ली से लेकर पटना तक द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा के नाम रहा। दिल्ली का सियासी दंगल अभी जारी है, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है, लेकिन इस दौरान लोकसभा में कई दिलचस्प सियासी रंग देखने को मिले। खासतौर पर राहुल गांधी ने अपने अलग अंदाज से सबको हैरान कर दिया। अपने भाषण के दौरान राहुल न सिर्फ बेहद हल्के मूड में नजर आए, बल्कि उन्होंने पीएम मोदी को गले भी लगाया। उधर पटना में भी दिल्ली का सियासी इफेक्ट देखने को मिला। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन तेजस्वी यादव ने यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि वो इस सत्र में या अगले सत्र में नीतीश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। राहुल के अलग अंदाज पर बिहार के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी और जेडीयू ने जहां राहुल के अंदाज पर तंज कसा, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष के तारीफों के पुल बांधने में जुटी है। राहुल गांधी जी अपनी बात को मैं कुछ नया नहीं कह पाए, राहुल गांधी जी कोई नयापन नहीं ला पाए। वही सब चीज़ें जो बोलते रहते हैं, 15 लाख का क्या हुआ, नौकरी का क्या हुआ, और इसी तरह के कुछ मिथ्या आरोप उन्होंने लगाए। कांग्रेस आज भी एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन ये सबको शामिल करना होगा और जहाँ ये उपयुक्त फोरम है वहाँ निश्चित तौर पर उनके जो प्रतिनिधि हैं वहाँ मजबूती के साथ उनको ये बात रखनी चाहिए। पेट्रोल, डीजल और बिजली, इन तीनों चीज़ों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, क्योंकि ये अतिरिक्त करों का बोझ जो आम जनता पर पड़ता है, रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, बिजली की दरें राज्य सरकार अपने मन से बेतहाशा बढ़ा देती हैं, तो इसका कुप्रभाव सिर्फ और सिर्फ आम लोगों, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के ऊपर पड़ता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना, और हमारे अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के समय भी अपने संबोधन में इस बात का उल्लेख किया है। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो बिहार में विपक्ष नीतीश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की सोच रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि इस सत्र तो नहीं, अगले सत्र में वो नीतीश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, क्योंकि सरकार किसी भी मुद्दे पर जवाब नहीं दे रही। अब सवाल है कि क्या तेजस्वी बिहार में अविश्वास के बहाने विपक्ष की ताकत को आंकना चाहते हैं, या नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुनावी माइलेज चाहते हैं। सुशासन पर अविश्वास, लोग तो लगातार जो है सरकार को हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन सरकार जो सुनी नहीं रहा। तेजस्वी लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव, हो सकेगा इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र में हम कोशिश करेंगे ले आने का। लोकसभा चुनाव 2019 के पहले केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने अपनी एकता और एकजुटता दिखाने की कोशिश की। ठीक उसी तरह बिहार में तेजस्वी यादव नीतीश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की सोचकर विपक्ष की एकता को आंकना चाहते हैं।
तेजस्वी यादव का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर वो बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही है। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ हमने पहले भी बोला सरकार को गिराने के लिए ही नहीं होता, उत्तरदायी होना चाहिए, जवाब देना पड़ेगा उसको जनता के प्रति जो भी सवाल उठेंगे। हो सकेगा अगले, हो सकेगा इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र में हम कोशिश करेंगे ले आने का। तो हम लोग तो लगातार जो है सरकार को हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन सरकार जो सुनी नहीं रहा तो अब क्या कीजिएगा। अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष सरकार के खिलाफ सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा है। अगर तेजस्वी यादव नीतीश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की सोच रहे हैं तो इसके पीछे उनकी ये सोच हो सकती है। नंबर एक, विपक्ष का महागठबंधन मजबूत हो रहा है। नंबर दो, विपक्ष को एकजुट होने का संदेश जाएगा। नंबर तीन, चर्चा के बहाने सरकार को घेरने का मौका मिलेगा। नंबर चार, सरकार के नाराज सहयोगियों को साथ लाने की कोशिश होगी। नंबर पांच, स्थिति साफ होगी कौन किसके साथ खड़ा है। केंद्र में जैसे संख्या बल मोदी सरकार के साथ है, वैसे ही बिहार में संख्या बल नीतीश कुमार के साथ है। यानी नीतीश सरकार के खिलाफ अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो उसका भी वही हाल होगा जो मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का हुआ। कहा जाए तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के लिए खुद के शक्ति प्रदर्शन से ज्यादा कुछ और नहीं दिखता। शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का विचार क्या रखा, एनडीए के नेता उन पर टूट पड़े। एनडीए के नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी वो सुनिए। तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए कार्य संचालन नियमावली का अवलोकन कर ले तेजस्वी यादव और आईने की तरह साफ हो जाएगा। परिवार का विश्वास है प्राप्त है ना, कि वह भी नहीं है। महत्वपूर्ण विषय तो यह है कि जो रिक्शा पर चल रहे हैं उनका भरोसा जीत लीजिए। पहले घर में भरोसा जीतिए, तब अविश्वास प्रस्ताव लाइए, तेजस्वी यादव बेहतर होगा। सरकार बिल्कुल अस्थाई है और बिल्कुल पारदर्शिता से काम कर रही है, जनता सरकार के साथ है। अविश्वास प्रस्ताव लाना न लाना ये तो विपक्ष का अपना दायित्व है। विरोधी दल का काम है सरकार का विरोध करना, अच्छी बात है। वो तो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो हम लोग उसका सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे। इससे पहले बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आगाज हो गया, हालांकि विधानसभा की कार्यवाही सोमवार को दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित हो गई। लेकिन पहले दिन के ट्रेलर से ही यह साफ हो गया कि 7 दिनों तक चलने वाला यह सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। मानसून सत्र का आगाज, मानसून सेशन में होगी मुद्दों की बारिश, विपक्ष का एक्शन प्लान तैयार, नीतीश सरकार पर आरोपों की बरसात। मानसून सत्र के आगाज के साथ ही नीतीश सरकार पर विपक्ष ने आरोपों की बरसात शुरू कर दी। वैसे तो सरकार पर हमला बोलने के लिए विपक्ष के तरकश में कई तीर हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सूखे और कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह की सियासत चल रही है उससे साफ है कि विपक्ष इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाला है। नीतीश कुमार जी, बिहार के सुखाड़ के लिए कुछ कीजिए। 4 साल में 4 सरकारें देख ली आपने, अपनी चिंता बहुत कर ली, अब समय बिहार की चिंता कीजिए। जो किसान जो मरमाहत हो चुके हैं सुखाड़ से, परेशानी से जो गुजरने का काम कर रहे हैं, कोई इनकी योजना नहीं। सरकार केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए सेटिंग एटिंग करने में लगी है। सूखे के अलावा मानसून सत्र पर लोगों की निगाहें शराबबंदी और दहेज विरोधी कानून में किए जा रहे संशोधन पर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार जहां शराबबंदी कानून के प्रावधानों में कुछ रियायत देने जा रही है, वहीं दहेज प्रथा को जड़मूल से समाप्त करने के लिए पुराने कानून को और कठोर करने जा रही है। विधानमंडल के मानसून सत्र में 4 विधेयक लाए जा रहे हैं। 23 और 24 जुलाई को सदन में इसके लिए समय निर्धारित है। सबसे अधिक चर्चा बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2018 को लेकर है।
हालांकि नीतीश सरकार के नुमाइंदों का कहना है कि वो विपक्ष के हर हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन विपक्ष से हमारी उम्मीद यह है कि विदेश से ज्ञान लेके आए हैं, अल्पकालीन शैक्षणिक डिग्री भी लेने की बात हो रही है, तो हम उम्मीद यह करते हैं जब सदन में प्रश्न उठाए तो जवाब भी जरूर सुनेंगे। किसान के लिए जो जरूरी होगी सरकार से हम लोग करवाएंगे और सरकार करेगी। तो विपक्ष हमले के लिए तैयार है और सरकार भी पलटवार करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। ऐसे में महज 7 दिनों का यह मानसून सत्र एक बार फिर कहीं मुद्दों की बारिश और हंगामे की भेंट न चढ़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। महिलाओं के साथ बढ़ रही गैंगरेप की घटनाओं की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। माले और कांग्रेस विधायकों ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सूबे में बच्चियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं। वहीं सरकार का कहना है कि हर घटना पर कड़ी कार्रवाई की गई है, दोषियों को हर हाल में सजा दी जाएगी। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन उन मुद्दों की गूंज सुनाई दी जिनको लेकर इस सत्र में विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही माले और कांग्रेस के विधायक तख्तियां लेकर पोर्टिको के बाहर आ गए और प्रदर्शन करने लगे। माले विधायक मुजफ्फरपुर और छपरा की घटना में कार्रवाई की मांग कर रहे थे। विधानसभा में गूंजा महिलाओं का मुद्दा, विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना। एक तो मांग है कि अभी जो बीजेपी अत्याचार कर रही है उसको बंद करें। दूसरा, एक साल हो गया बाढ़ आए हुए हमारे इलाका में, बाढ़ से ग्रस्त सभी रोडें क्षतिग्रस्त है, लेकिन अभी एक साल में एक भी रोड उन लोगों ने नहीं बनवाया। सरकार चुपचाप बैठी हुई है। बेगूसराय में एक छात्रा की हत्या हो गई है, एक महिला को गला काट कर की हत्या हो गई है और सरकार प्रशासन चुपचाप बैठी हुई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि दोषी लोगों को तुरंत के ऊपर कार्रवाई हो। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी हवा दी। हालांकि नीतीश सरकार के नुमाइंदों का कहना है कि सरकार हर घटना को लेकर गंभीर है। महिलाओं पर सियासत तेज, सरकार का विपक्ष पर पलटवार। जिस हिसाब से लगातार ये थमने का नाम नहीं ले रहा और सरकार जो है अपनी कुर्सी के चक्कर में लगी पड़ी है। आज 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे रात में पटना जंक्शन से आप घर आ सकते हैं। अपराध इसके बाद भी होता है, लेकिन अपराध के बाद पुलिस मुस्तैदी से पकड़ती। विपक्ष के इन तीखे तेवरों से साफ है कि मानसून सत्र में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा आगे भी हावी रहने वाला है और इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव देखने को मिल सकता है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विरोधी तो विरोधी सरकार पर हमला बोल ही रहे हैं, साथ ही सहयोगी पार्टियां भी नीतीश सरकार पर निशाना साधने में जुटी हैं। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव का कहना है कि बिहार में कानून व्यवस्था की हालत चौपट हो गई है। जो दो काम बच गए हैं, एक बालू वाले बालू को धरना और दूसरा शराब वाले को धरना, और सिर्फ माल प्रैक्टिस में फंसे हुए हैं, पूरे लॉ एंड ऑर्डर चौपट है। तो बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में कई रंग नजर आए, कई जनप्रतिनिधियों ने संदेश देने की कोशिश की तो कई विधायक अलग अंदाज में नजर आए। हम आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सदन पहुंचने पर सीएम नीतीश कुमार के स्वागत की है, जहां बीजेपी और जेडीयू के विधायकों ने सीएम को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। वहीं सीएम ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। तीसरी तस्वीर कांग्रेस के विधायकों के प्रदर्शन की है, जिन्होंने पाकुड़ में स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले का विरोध किया। चौथी तस्वीर बीजेपी एमएलसी संजय पासवान की है, जो साइकिल से विधानसभा पहुंचे। पासवान ने इसे सेहत और पर्यावरण के लिहाज से फायदेमंद बताते हुए बिहार में साइकिल ट्रैक बनाने की मांग की। उधर विधान परिषद की कार्यवाही में नए सदस्य भी आज शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस कोटे से सदन तक पहुंचे प्रेमचंद्र मिश्र ने कहा कि वो सदन में सकारात्मक बातें करेंगे और सरकार की गलत नीतियों का खुलासा करेंगे। वहीं कोट से पहुंचे संतोष मांझी ने कहा कि वो जनता की बातें सदन में रखेंगे। अनावश्यक आलोचना भी नहीं करनी है और बेवजह हल्ला हुचर भी नहीं करना है। सदन की गरिमा का ख्याल रखते हुए और जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए मैं बिहार के सार्वजनिक जीवन में जो अपना बेहतर दे सकता हूँ
वो देने का प्रयास करें। मेरी जो प्राथमिकताएं रहेगी, जो गरीबों की प्राथमिकताएं जो हमारी पार्टी की है, खास करके दलित से जुड़े हुए मुद्दे, जो टोला सेवक का कुछ मुद्दा है, कुछ उन शिक्षा सब मुद्दा है, ये सब मैं प्रमुखता से उठाऊंगा। और बिहार में इन दिनों साइकिल पर सियासत शुरू हो गई है। इस सस्ती और साधारण सवारी साइकिल ने बड़े बड़े धुरंधरों को अपनी अहमियत समझा दी है। तभी तो अलग अलग सियासी दलों के नेता समाजवादियों की इस सियासी सवारी को अपने वोट बैंक को मजबूत करने का जरिया बना रहे हैं। बिहार में साइकिल पर सियासत। 28 जुलाई से नेता प्रतिपक्ष की साइकिल यात्रा। सरकार की नाकामियों को करेंगे उजागर। बीजेपी एमएलसी ने की साइकिल की सवारी। बिहार की सियासत इन दिनों साइकिल पर आ गई है। महंगी गाड़ियों में घूमने वाले नेताओं को इस सस्ती, हल्की और सुलभ सवारी का फायदा समझ में आने लगा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रदेश सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए 28 जुलाई से साइकिल यात्रा पर निकलने वाले हैं। साइकिल यात्रा माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में गया से जहानाबाद और मसूरी होते हुए पटना तक की 3 दिवसीय यात्रा होगी और वो 28 से शुरू होकर 30 को समाप्त होगी। तेजस्वी की प्रस्तावित साइकिल यात्रा का सत्ताधारी दल खुलकर विरोध कर रहे हैं और इसे सियासी ड्रामा बता रहे हैं। ठीक है, अरे विपक्ष के नेता है, उनकी इच्छा हुई तो बढ़िया है। एक तरफ बीजेपी तेजस्वी की साइकिल यात्रा के खिलाफ बयान दे रही है, वहीं पार्टी के ही विधान पार्षद और पूर्व केंद्रीय मंत्री साइकिल की सवारी कर सदन तक पहुंचे। बाप जाता को साइकिलिंग का एक क्लब बने। देखिए, पुणे में, हैदराबाद में जितना मेट्रो सिटीज है, बेंगलोर में, वहाँ साइकिल का अलग ट्रैक बना हुआ है, साइकिल का क्लब बना हुआ है, एसोसिएशन बना हुआ है। हम चाहेंगे बिहार में भी हम लोग प्रयास साइकिल का क्लब बने। मतलब साफ है, साइकिल अब सिर्फ समाजवादियों की पहचान नहीं रह गई है। भले ही ये समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह हो, लेकिन इसकी सवारी सभी सियासी दल करेंगे, क्योंकि बिहार के सियासी दलों को साइकिल में संभावना नजर आने लगी है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। और अब खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां बालिका गृह में शारीरिक शोषण के आरोप सच साबित हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट में शारीरिक शोषण की पुष्टि हो गई है। 41 बालिकाओं में से 90% लड़कियों की रिपोर्ट आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 41 लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट अनुसंधानकर्ता महिला थानाध्यक्ष ज्योति कुमारी को मिल चुकी है, लेकिन पुलिस अभी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। आपको यह भी बताएं कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई की कोशिश टीम ने समाज कल्याण विभाग की अनुमोदित बालिका गृह में बच्चियों के यौन शोषण और हिंसा का मामला जो है उसका खुलासा किया था। टीम ने तत्काल मामले की जांच और बालिका गृह के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी, जिससे हड़कंप मच गया था। निदेशक समाज कल्याण विभाग ने तत्काल केस दर्ज कराते हुए सभी बालिकाओं को यहां से दूसरे जिले में शिफ्ट कराया था। अब तक इस मामले में 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सेवा संकल्प युवा विकास समिति, यहां पे जो लड़कियां रहती हैं, उन्होंने कुछ वायलेंस और सेक्सुअल अब्यूज का शिकायत किया है। इतना ही उसमें है, उसके आधार पे सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा FIR मेवा थाना में किया गया है। तो उसके बाद ही हमारी कार्रवाई जारी है आगे इसमें, लेकिन FIR में किसी का नाम नहीं। पटना के सेंट जेवियर स्कूल में LKG की छात्रा से यौन शोषण के मामले में दोषी करार दी गई दोनों शिक्षिकाओं को सजा सुना दी गई है। पॉक्सो कोर्ट ने दोषी नूतन जोसेफ को 15 साल और इंदु आनंद को 12 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 3-3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आपको बता दें कि 13 जुलाई को अपने ही स्कूल के LKG की छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी दो शिक्षिकाओं को विशेष अदालत के जज रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया था और सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तिथि निर्धारित की थी। मामला गांधी मैदान से सटे सेंट जेवियर स्कूल से जुड़ा है। पीड़ित के अभिभावकों ने 2016 में महिला थाने में दोनों शिक्षिकाओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कोर्ट का फैसला आने के बाद पीड़ित के परिजनों ने राहत की सांस ली है। ये एक समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि शिक्षक अगर ऐसा काम कर सकते हैं, शिक्षक वो भी लेडीज शिक्षिका एक बच्ची के साथ, तो ये समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उस बच्ची को न्याय मिला। बहुत तरह की बातें उठ रही थी कि ऑब्लिगेशन होता है, ये होता है, वो होता है, परचेज होता है, खरीदी बिक्री हो, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ है। और न्यायालय पे भरोसा न्यायालय पे भरोसा था और न्यायालय ने
भरोसा दिलाया, उनको दंड दिया है, न्याय मिला, न्याय मिला। शुक्रवार को राजधानी पटना में जिधर देखो उधर संग्राम ही नजर आया। कहीं सड़क पर हंगामा तो कहीं मंत्री जी के आवास पर। कोई हक के लिए अपनी आवाज उठाता नजर आया तो किसी को हक के बदले पुलिस की लाठी मिली। राजधानी पटना में आज हंगामा ही हंगामा देखने को मिला। कहीं महिला सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन हुआ तो कहीं अपने हक के लिए लोगों ने हंगामा किया। ये तस्वीरें राजधानी के डाक बंगला चौराहे की, जहां अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की कार्यकर्ताओं ने महिला सुरक्षा को लेकर हंगामा किया। बढ़ रही रेप और हिंसा की घटनाओं के खिलाफ महिला ब्रिगेड सड़क पर संग्राम करती नजर आई। इस दौरान मुजफ्फरपुर, कटिहार, छपरा गैंगरेप जैसी घटनाओं को लेकर भी प्रशासन पर सवाल उठाए गए। खबर बिहार में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।